Assalamu alaikum children, hopefully everybody would be doing well at home. Okay students, before starting a topic, what we are going to do? We are going to recite dua for increasing our knowledge. Now recite with me everyone, Rabbi zidni ilma. Okay, this is your mathematics workbook, so take out your workbooks and let's open page number 65 with me. Page number 65, first of all mention today's date and day. Write the date on the top of the page like this. What date is today? Today is 27th of January 2021. 27/1/2021. And today is Wednesday. Okay, now try this numbers and tenses. Question number 2. कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे नंबर्स एंड टेंसेस में. हिरा हैज फ्यू कैप्स, हिरा के पास कुछ कैप्स हैं. शी हैज 8 रेड कैप्स एंड 4 ब्लू कैप्स. हिरा के पास 8 रेड कैप्स हैं एंड 4 ब्लू कैप्स हैं. ओके, यहाँ पर हमें नंबर 1 दिया हुआ है 8, 4, 12. यहाँ पर 8 हमारे पास कौन सी कैप्स हैं? रेड. काउंट करते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. एंड ब्लू कैप्स हमारे पास हैं 4. राइट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन स्टोरीज यूजिंग द नंबर बोन्स. अब हम यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे इन नंबर बोन्स के हिसाब से. ठीक है, ए. There are 8 red caps and 4 blue caps. Then there are 12 caps altogether. यहाँ पे देखें, 8 और 4 को हम प्लस करेंगे तो भी हमारे पास आंसर आएगा 12. और 4 या 8 हम प्लस करेंगे तो भी आएगा 12. यहाँ पे हम लिखते हैं 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12. फिर हम क्या करेंगे, 4 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 12. 4 + 8 = 12. काउंट करते हैं, हम मैं स्टिक्स डाल रही हूँ, आप इसी तरीके से स्टिक्स डाल के काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 में हमने कितने प्लस करने हैं? 4. 1, 2, 3, 4. 8, 9, 10, 11, 12. इधर क्या आएगा? 12. और इधर अगर हम पहले 4 को काउंट करेंगे, 4 + 8, तो भी हमारे पास 12 आंसर आएगा. ओके ओके, अब बी देखिए. देयर आर 12 कैप्स, 8 ऑफ देम आर रेड, द अदर्स आर ब्लू कैप्स. ओके, यहाँ पर देखिए 12 हमारे पास कैप्स हैं जिनमें से 8 ब्लू कैप्स हैं, और जो बचेंगी वो कौन सी कैप्स होंगी? ब्लू कैप्स होंगी. रेड कैप्स हमारे पास 8 हैं, और जो बचेंगी वो हमारे पास ब्लू कैप्स होंगी 12 में से. अब हम यहाँ पे लिखते हैं 12, क्योंकि हमारे पास टोटल कैप्स 12 हैं. उसके बाद हमारे पास रेड कैप्स कितनी हैं? 8 हैं, तो हम इधर लिखेंगे 8. 12 - 8, 12 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अब हम इसमें से 8 माइनस करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब देखें कितने बचे? 1, 2, 3, 4. 4. देयर आर 4 ब्लू कैप्स. ओके, सी. देयर आर 12 कैप्स, 4 ऑफ देम आर ब्लू, द अदर आर रेड कैप्स. इधर हमारे पास 12 टोटल कैप्स हैं जो हम यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है, और ब्लू कैप्स कितनी हैं? 4 हैं. अब 12 में से माइनस 4 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 8. हम करते हैं माइनस 12, हम यहाँ पे स्टिक्स डालते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. इसमें से हम माइनस 4 कर देते हैं
वन टू थ्री फोर, ये हमने माइनस कर दिए। अब आप टीचर के साथ काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। सो यहाँ पर क्या आंसर आया, एट। देयर आर एट रेड कैप्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए, वी कैन राइट फोर नंबर सेंटेंसेस फ्रॉम एनी नंबर बोन्स। यहाँ पर हमें नंबर बोन्स दी हुई हैं, पार्ट वन पार्ट टू एंड होल, वो हमें करना है, ठीक है। इट इज़ वेरी ईजी। यहाँ पर देखें, हम पहले करेंगे एट प्लस फोर इज इक्वल्स टू ट्वेल्व, फिर हम करेंगे फोर प्लस एट इज इक्वल्स टू ट्वेल्व। यहाँ पर आप इस तरीके से लिखें जैसे अभी टीचर ने आपको प्लस करवाया था, एट प्लस फोर इज इक्वल्स टू ट्वेल्व एंड फोर प्लस एट इज इक्वल्स टू ऑल्सो ट्वेल्व, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस किस तरीके से करना है, ये जो होल है जो हमें प्लस करके आंसर आया था वो हमें दोनों जगह पे लिख देना है, दोनों बॉक्सेस में, ठीक है। ट्वेल्व हमने इधर भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया। अब पहले क्या लिखा हुआ, एट लिखा हुआ है ना, तो हम इधर एट लिख देंगे और बाद में फोर लिख देंगे। अब माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हम इधर लिख देंगे। ट्वेल्व हम स्टिक्स डालते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। इसमें से हमें एट माइनस करने, एट माइनस करते हैं हम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ओके, काउंट करें कितने बचे, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पर आ गया फोर। अब ट्वेल्व माइनस फोर करने, ट्वेल्व में हम स्टिक्स डालते हैं पहले, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। इसमें से हम फोर माइनस करते हैं, वन टू थ्री फोर। अब देखें कितने बचे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास एट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, ट्वेल्व हमारे पास दोनों टाइम्स आ गया, टू टाइम्स हमारे पास ट्वेल्व आ गया, फोर यहाँ पे फोर भी आ गया और एट हमारे पास नंबर बोन्ड है वो भी आ गया। ये काम आपको इसी तरीके से करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।